हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो गए? सही है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपका डाउट क्वेश्चन है और मेरा आंसर है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई बुक बारे में बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं। देखिए, ई बुक के अगर आपको खरीदना है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड मेरा ई बुक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डिट्टो आपका SSC CGL टायर टूल का लेवल का क्वेश्चन होगा। एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ बुक में, अगर उसको आप कंप्लीट कर दिए 100 से 200% आपको दे रहा हूँ। ओके, मैं 100% नहीं चांस दे रहा हूँ, 100 से 200% दे रहा हूँ क्वेश्चन डिट्टो आएगा। ओके, डिट्टो क्वेश्चन आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है एडवांस लेवल का जो हटके आ सकता है, बट जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बुक में आपको प्रोवाइड किया हूँ, किसी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको 100% दे देगा कि इस क्वेश्चन आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर कोई डाटा मीन्स कोई अगर डाटा कुछ चेंज कर दिया वो दूसरा बात है, बट आप जितना क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन अगर गंदे गए तो आपको, मुझे नहीं लगता आप SSC CGL टायर टू में एडवांस लेवल में एंड कभी भी आप हारेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आप अगर अभी बुक नहीं खरीदें, आपकी मर्जी, जिन्होंने खरीद लिए उनका अपडेट वर्सन उनको मिलेगा फ्री में। ओके, तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जब भी मैं प्रयास करता हूँ वार करने के लिए, बहुत जल्दी उनको अपडेट वर्सन भी मिलेगा। थोड़ा वेट कीजिए, जिन्होंने बुक के लिए अभी तक पे कर चुके हैं उनको कल या परसों मिल जाएगा बुक, क्योंकि थोड़ा मैं बाहर हूँ तो मैं अभी और कुछ क्वेश्चन उनको ऐड करके मैं देना चाहता हूँ, बट जिन्होंने पे कर चुके हैं अश्योर रहिए है, उनको कल या परसों के अंदर बुक मिल जाएगा। उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर जिसको बुक ईमेल में नहीं मिला तो वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, टू सर्कल्स आर प्लेस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल है शोन इन द फिगर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल टू डेप्थ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, इसका ट्रिक देखिए, सपोज ऐसा कुछ फिगर दिया होगा ABC। ओके, इस बार बार इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। ओके, ABC एक फिगर है इस ट्रायंगल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, ये हमारा ए है, ए बी है, सी है, सपोज ए बी है, ए सी है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इस स्मॉलर सर्कल का एरिया टू डेप्थ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सपोज इतना याद रखिए, जब भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, इसको मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एस स्क्वायर होता है, इसके बाद एस स्क्वायर रहता है, सपोज इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस क्या होगा, R/3। ओके, याद रखना इसका रेडियस होगा R/3। ओके, सिमिलरली मैं आपको इस फिगर में आपको बताना चाहता हूँ, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मेरा ए है। ओके, अगर मेरा इक्विलेटरल साइड का ए है तो ये जो बड़ा सर्कल है ये मेरा क्या है, इन रेडियस है, मीन्स इन सर्कल है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, मीन्स इक्विलेटरल का इन सर्कल क्या है, तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं, R = a/2√3। ओके, किसका, इसका रेडियस। ओके, पता चल गया हमको R = a/2√3 किसका, बड़ा वाला का रेडियस। मैं आपको बताया था अगर बड़ा वाला का रेडियस आपको पता चल गया तो छोटा वाला का रेडियस क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको 1/3 मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो छोटा वाला का रेडियस हो जाएगा 1/6√3, a/6√3 किसका, ये छोटा वाला का सर्कल का रेडियस। ओके, अभी आप निकाल सकते हैं, बस अभी कुछ नहीं, अभी हम निकालेंगे। तो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप कैसे इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए मैं आपको जो बता रहा हूँ क्वेश्चन में, तो ए आपका है मिला हमको a/2√3। ओके, मिला a/6√3, ए मिला ना a/6√3। तो हमको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा, π/√3/4 इक्विलेटरल एंगल का ए स्क्वायर। बस अभी r तो हम निकाल दिए, पाई कितना होगा, पाई को पाई रखिए, r कितना आया a² / 6√3 मीन्स 36 × 3, इसको लिखिए 36 × 3 ऐसे लिखेंगे, √3/4 × a². a² कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, आपका मुझे आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ई बुक का कितना क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेगुलर पॉलीगन्स व्हिच कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर 1000 साइडेड पॉलीगन इज, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, ओके मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, ओके। जब भी ऐसा पूछेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेगुलर पॉलीगन्स व्हिच कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस, देखिए पॉलीगन कैसे होता है आपको पता है, ये सब हेक्सागन पॉलीगन, ये सब पॉलीगन कितना होता है, एक सब पॉलीगन होता है, बस मींस दो साइड मिलके एक एंगल बनाता है, ओके क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा, सिमिलरली दो साइड बनके एक एंगल बनाता है, ओके याद रखना रेगुलर पॉलीगन मींस सब साइड इक्वल होता है। तो सिमिलरली जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जब भी आपको डिस्टिंक्ट रेगुलर पॉलीगन पूछेगा, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट रेगुलर पॉलीगन व्हिच कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर 1000 साइडेड पॉलीगन, पहले आप देखेंगे 1000 का फैक्टर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा। एंड मैं आपको गारंटी अश्योर देता हूँ अगर पॉलीगन का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके आप 2018 टायर 2 देंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके किसी भी लेवल बुक में ऐसा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जैसे क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, ओके आपको मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। तो 1000 साइडेड पॉलीगन्स, ओके 1000 साइडेड पॉलीगन पूछा है, पहले हम 1000 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो 1000 कैसे होगा, 2 का क्यू इंटू 5 का क्यू, ओके तो टोटल फैक्टर हमारा क्या हुआ, इसमें टोटल नंबर फैक्टर क्या होता है 16, क्योंकि 3+1 × 4+1 अभी जो 16 आया, मैं आपकी बोला जो पॉलीगन दो एंगल मींस दो साइड मिलकर एक एंगल बनाता है, हमको टोटल मिल गया 16 मींस 16 रेगुलर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेगुलर पॉलीगन्स मींस 16 पॉलीगन्स हमको मिलेगा जिसका साइड आपका 1000 साइडेड पॉलीगन होगा। बट आपको देखिए दो साइड मिलकर एक पॉलीगन बनाता है तो यहाँ पे क्या करना 16 − 2 कर देना, ओके दैट इज 14, ओके मींस 14 यहाँ पे डायरेक्ट आंसर होगा। सिर्फ इतना याद रखिए जब भी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेगुलर पॉलीगन व्हिच कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए, वर्टिसेस पूछा है ना, जॉइनिंग वर्टिसेस पूछा है तो वर्टिसेस क्या हो रहा है, दोनों मिलकर वर्टिसेस हो रहा है, दोनों साइड मिलकर वर्टिसेस हो रहा है, ओके आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप पहले इस क्वेश्चन को फैक्टर निकालेंगे, जिस नंबर का आप दिया होगा उस नंबर का फैक्टर निकालेंगे, ओके फैक्टर क्या होगा, इस नंबर का फैक्टर निकालेंगे, हमको 1000 दिया है तो 1000 का फैक्टर होगा 2 का क्यू − 5 का क्यू, तो टोटल फैक्टर मींस टोटल यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या होगा निकाल देंगे, टोटल नंबर फैक्टर क्या है 16, एंड आपको दो ट्रायंगल मींस दो साइड बना के वर्टिसेस बनाते हैं तो यहाँ पे एक −2 कर देंगे, दैट इज 14 इसका आंसर होगा, ओके दो सेकंड का आंसर मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ बुक में, ओके ट्रिक के साथ, ये मेरा लास्ट होगा बुक का, उसके बाद जो बुक खरीदेंगे वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछ चुका है, ओके और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे ई बुक में अपलोड करूँगा, तो 2018 में 99% आपको आएगा, आप देख लेना, ओके मैं आपको आश्वर के साथ देता हूँ क्वेश्चन आएगा इस टाइप का लेवल का क्वेश्चन, ओके इस क्वेश्चन में आपको फुल सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है फिगर, आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन है, एंड इसको मैं कल डिस्कस करूँगा, ओके क्या परसों डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए ये सी है, ये एम है, ये जी है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, ई है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये एच है, ये एल है, ये एफ, वो बोल रहा है ए बी एंड एम एन आपका दो ए बी, एक सेकेंड, ए बी एंड एम एन आपका दो डायमीटर है, ओके एंड इसका लेंथ आपको 3 दिया है, एंड जो आपका ए ई है, ए ई आपका जो ए ई है, ए ई एंड ई बी इसका रेशियो दिया है 1:2, अगर ई मैं आपको बता देता हूँ टोटल डायमीटर आपका 3 है, अगर ए ई आपका 1:2 है तो ए कितना होगा 1 होगा, ए होगा 1.5 होगा एंड आपका 0.5 होगा, होगा या नहीं होगा, सिमिलरली ए बी सिमिलरली 1, ए बी 0.5, ए बी आपका 1.5 होगा, ओके मीन्स ये आपका अंदर एक स्क्वायर बन गया। हमको क्या पूछा है, हमको DH का लेंथ यहाँ पे निकलना है, आप यहाँ पे दिमाग लगा के कहाँ पे 90 डिग्री होगा एंड कहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, इसको कंसंट्रेशन करके मुझे यहाँ पे आंसर प्लीज़ कमेंट सेशन अगर बताएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर मेहनत करेंगे तो, नहीं तो इसका आंसर मैं कल या परसों नहीं दूंगा क्योंकि नाउ आई मीन आई ड्रॉप डाउन, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको भी सॉल्व कीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन है बट मुझे पता आंसर यहाँ इसका आंसर चाहिए। द लेंथ ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रैंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:6 मीन्स आपको द लेंथ ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रैंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:6 इफ द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ द ट्रैंगल इज 1 cm फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कुलर ट्रैंगल्स,
ओके बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको दिमाग लगा कि इसको मुझे कमेंट सेशन में, जितना भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को कमेंट सेशन में बता सकते हैं। द लेंथ ऑफ द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:6। इफ द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके आप इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए एंड परसों आपके साथ मुलाकात होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।